नमस्कार द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनव रस्तोगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिनभर क्या रहा। शराब ठेके की सेल्समैन पर फायरिंग, दरोगा और सिपाही से हाथापाई। किला में बानखाना निवासी विष्णु मौर्य जगतपुर मोड़ पर स्थित देशी शराब के ठेके पर सेल्समैन है। वे ठेके पर शराब बेच रहे थे, तभी शाहजहांपुर में बंडा निवासी अवतार सिंह आया और उसने दो क्वार्टर लिए। शराब के पैसे मांगने पर दबंगई दिखाने लगा। विरोध करने पर पिस्टल से विष्णु पर फायर झोंक दिया, इससे वहां भगदड़ मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को पकड़ना चाहा तो वह दरोगा और सिपाही से भी भिड़ गया। इस पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। बारादरी इंस्पेक्टर अमित पांडे का कहना है कि आरोपी को मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया है। घर में चली गोली, कमरे में मिली युवक की लाश। जोगी नवादा में घर में गोली चलने की आवाज सुनाई थी। परिजन भाग कर कमरे में पहुंचे तो अंदर 30 वर्षीय लक्ष्मी नारायण की लाश पड़ी थी। सिर पर गोली लगी थी। परिजनों का कहना है कि लक्ष्मी नारायण पेंटर थे। शाम को जल्दी घर आए और कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद गोली लगने से उनकी मौत हो गई। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। बारादरी इंस्पेक्टर अमित पांडे ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले की जांच की जा रही है। हाईवे पर कार और बाइक की भिड़ंत, पूर्व प्रधान समेत दो की मौत। भोजीपुरा के जालिम नगला निवासी रामपाल पूर्व प्रधान थे। वे शाही के गांव आमोर निवासी सोनू शर्मा के साथ ठेकेदारी करते थे। दोनों बाइक से फतेहगंज पश्चिमी में साइट से लौट रहे थे। हाईवे पर आगास मोड़ के पास तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौत हो गई, जबकि चालक कार छोड़कर फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजेश कुमार जालिम नगला हमारे चाचा जी थे और ये हादसा ये हुआ था। फिर ये घर जा रहे थे रास्ते में फतेहगंज से, और आगास मोड़ से जैसे ही निकले थे उधर से तेज रफ्तार में कार आई, उसने एक भयानक एक्सीडेंट कर दिया और घटनास्थल पर अंजाम दे दिया। कितने लोग थे? ये दो लोग थे। दोनों की मौके पर मौत हो गई। क्या करते थे? ये सरकारी कॉन्ट्रैक्टर थे, ठेकेदारी का काम करते थे, पूर्व प्रधान रह चुके थे गांव के। कहाँ के रहने वाले? जालिम नगला, और इनके साथ ही एक अमौर के रहने वाले हैं, थाना साहिब में पड़ता है जो गाँव। उनका नाम है सोनू शर्मा, पिताजी का नाम उनका है शिव नारायण शर्मा। मौके पर मौत तो एक की हो गई थी सोनू शर्मा की, और रामपाल जी को लिए हॉस्पिटल ले जाके उसके वहाँ पर अस्पताल में दम तोड़ दिया गया उनका। गाड़ी पकड़ गई है। गाड़ी थाने में जे बाइक से थे दोनों लोग, और वो नेक्सॉन कंपनी की गाड़ी थी। उसका नंबर था UP25DB9138। चालक नहीं पकड़ा गया। सीने में लगी गोली, युवक रिकॉर्ड कराता रहा वारदात। हाफिजगंज के गांव कासी धर्मपुर के रहने वाले विकास शर्मा मीरा की पैर चौराहा पर साई डेंटल लैब में जॉब करते हैं और यहीं पर कमरा लेकर किराए पर रहते हैं। विकास मंगलवार रात करीब 8:30 बजे घर जा रहे थे, तभी पीलीभीत रोड पर मोहल्ला कटरा चांदखा निवासी शिवू गुप्ता और विकास मौर्य ने उन्हें रोक लिया, रुपए मांगने लगे। मना करने पर सीने में गोली मार दी। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने ई रिक्शा से विकास को निजी अस्पताल पहुंचाया। ई रिक्शा पर जाते समय विकास ने पूरी वारदात वीडियो में रिकॉर्ड करा दी। विकास के पिता रमेश चंद शर्मा की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी शिवू गुप्ता और विकास मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। विकास का दोस्त है एक शिवू गुप्ता, विकास बोल रहे शिवू गुप्ता, इन लोगों ने मिलकर मुझे जो है मुझे फंसाया पहले पहले मेरे साथ पैसों को लेके, फिर मुझसे पैसे मांगे नहीं दिए तो इन्होंने गोली मार दी मेरे। कहाँ पे गोली मारी है? मतलब सीने पे जो तो लग रही देखो जो है, लेकिन कहाँ पे ले जाके मारी है? खेतों में फाट गई पास में। अच्छा, आ जाना कर सकते आगे। विकास का दोस्त कौन है? शिवू गुप्ता। चल ठीक है, कौन विकास ये तो बता देगा? विकास मौर्य। कहाँ पे रहता है? सेटेलाइट ठेला लगाता है। अमन चाय वाला है, अमन टी स्टॉल के बराबर में उसका ठोका है। ठीक है। आचार संहिता के चलते पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। आचार संहिता लगते ही प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। पुलिस ने वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी है। पटेल चौक, चौकी चौराहा, सेटेलाइट चौराहा, सोफिटा रोड चौराहा, डेला पीर तिराहा, डोरा मोड़, बीसलपुर चौराहा, चौपला चौराहा समेत तमाम प्रमुख चौराहों पर पुलिस ने वाहन चेक किए। राजनीतिक दलों के सामने हुआ ईवीएम का पहला रेंडमाइजेशन। डीएम रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए ईवीएम का पहला ऑनलाइन रेंडमाइजेशन कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में हुआ। फिर इसकी सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा डीएम और एसएसपी ने लोकसभा क्षेत्र पीलीभीत के बहिड़ी विधानसभा में स्थित क्रिटिकल दिव्यांगजन महिला प्रबंधित बूथ और आदर्श मतदान केंद्र का भी निरीक्षण करा। डीएम के आदेश पर लापरवाह एफएसटी मजिस्ट्रेट पर एफआईआर। डीएम रविंद्र कुमार और एसएसपी गुले सुशील चंदान की उपस्थिति में संजय कम्युनिटी हॉल में लोकसभा चुनाव के लिए स्टैटिक सर्विलांस टीम यानी एसएसटी और फ्लाइंग स्क्वाड टीम यानी एफएसटी को ट्रेनिंग दी गई, जिससे आचार संहिता का उल्लंघन होने की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जा सके।
ट्रेनिंग के दौरान एफएसटी में स्टेट नियुक्त किए गए उप दुग्धशाला विकास अधिकारी विवेक वर्मा मोबाइल चलाते पकड़े गए। उनसे अधिकारियों ने सवाल पूछे तो जवाब नहीं दे सके। टीएम के आदेश पर उनके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 और आईपीसी 1860 की धारा 188 के तहत थाना विसारतगंज में एफआईआर दर्ज की गई है। बदायूं हत्याकांड को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने सौंपा ज्ञापन। पड़ोसी जिले बदायूं में बाबा कॉलोनी निवासी ठेकेदार विनोद ठाकुर के दो बेटों आयुष और आहन की साजिद ने मंगलवार को गला रेत कर हत्या कर दी थी। तीसरे बेटे पीयूष को भी चाकू मारकर घायल कर दिया था। घटना से इलाके में तनाव फैल गया था। पुलिस ने साजिद को एनकाउंटर में मार गिराया था, जबकि उसका भाई जावेद फरार है। इस घटना को लेकर बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। मांग उठाई कि जावेद पर भी सख्त कार्रवाई हो, पीड़ित परिवार को सुरक्षा और 2 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। क्या नाम है आपका? रोहित। बदायूं में कल रात घटना हुई है, दो बच्चों के साथ गला रेत के उन्हें मार दिया गया। उस विषय में हम विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। अच्छा, किसको ज्ञापन सौंपा आपने? डीएम साहब के लिए। क्या मांगे आपकी? हमारी मांग ये है कि जो बच्चों के साथ इसने हत्या की है, उनको जल्द से जल्द, जो एक बच्चा है उसका भी इनकाउंटर किया जाए और पीड़ित परिवार को कम से कम 2 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। गोरैया दिवस पर नौमैला मस्जिद में चिड़ियों के लिए रखा गया दाना पानी। गोरैया दिवस के अवसर पर नौमैला मस्जिद में चिड़ियों के लिए मिट्टी के प्यालों में दाना पानी रखा गया। जनसेवा टीम के अध्यक्ष पम्मी खान वारसी ने कहा कि गर्मियां शुरू हो रही हैं, ऐसे में बेजुबानों और परिंदों का ख्याल रखा जाए, उनके लिए घरों की छतों पर दाना पानी रखा जाए। इस मौके पर हाजी साकिब रजा खां, मौलाना मुजाहिद हुसैन, अली हसन आदि लोग मौजूद रहे। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।